How to live in an evil and crooked generation, टेढ़ी मेढ़ी और विकृत पीढ़ी में या लोगों में हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें। चलिए वचन पढ़ते हैं फिलिपियों अध्याय 2 और उसके वचन 15 से। लिखा यहाँ पर, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। ऑलराइट, तो ये खत सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, ये लिखा गया है संत पौलुस के द्वारा और लिखा गया कहाँ गया है, लिखा गया है जेल से। आप लोग शायद फैमिलियर होंगे इस बात से। तो संत पौलुस फिलिपियाँ कब आए थे, जब अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में संत पौलुस निकले थे, तो मैसेडोनिया से कोई आदमी उसे बुला रहा था, तो वहाँ पर वह तिमोथियस को सिलास को अपने साथ लेकर इस टूर के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर आपको पता ही है कि बैकग्राउंड में इसकी बता रहा हूँ कि एक लड़की आती है जो कि जिसके अंदर भावी करने की आत्मा होती है, लोगों के बारे में बता देती है और वो बताती है कि ये लोग खुदा का कलाम सुनाने वाले लोग हैं। आप प्रेरितों के काम इसके बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। और वो उस दुष्ट आत्मा को उस लड़की से झिड़कते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उसके जो मास्टर्स होते हैं, मतलब उस लड़की से जो पैसा कमा रहे थे, वो इस चीज़ को देखते हैं और काफ़ी गुस्सा होते हैं कि वेल हमारा जो धंधा था वो ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए वो पौलुस के ऊपर दोष लगाते हैं और जानते हैं कहानी को कि संत पौलुस को जेल में डाल दिया जाता है। तो जब संत पौलुस ने फिलिपिया की कलीसिया को यानी फिलिपी शहर को विजिट किया था, तो उस वक्त भी उसे जेल में जाना पड़ा। और अब जबकि 10 सालों के बाद इस एस्टैब्लिश की हुई कलीसिया को संत पौलुस खत लिख रहे हैं, तो वो फिर यहाँ पर इस खत को लिख रहे हैं जेल में, यानी अब वो रोम की जेल में बैठकर इस खत को लिख रहे हैं। तो इस मैसेज में हम तीन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कि हम कहां पर हैं, वेयर वी आर, दूसरा हम कौन हैं, हु वी आर, और तीसरा हाउ डू वी लिव, कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेयर वी आर, और ये वचन हमें सजेस्ट कर रहा है, संत पौलुस कहते हैं कि हम लोग टेढ़े और विकृत लोगों के बीच में हैं। जब संत पौलुस इस बात को लिख रहे हैं, तो संत पौलुस जानते हैं कि ये फिलिपी के जो विश्वासी लोग हैं, जो कलीसिया है, ये टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में रह रही है। उस वक्त में भी लोग मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, क्योंकि सभी लोग खुदा का भय मानने वाले नहीं थे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा होती थी, काफ़ी ज़्यादा जादू टोने भी होते थे। और फिर यहाँ पर कुछ यहूदी लोग भी थे जो कि आकर सुसमाचार को बिगाड़ रहे थे, जो कि आकर कलीसिया को बिगाड़ रहे थे, झूठी शिक्षाएँ दे रहे थे। मूसा की जो शरा थी, जो लॉ था, दोबारा से उसे विश्वासियों के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर थोप रहे थे कि तुम्हें ऐसा करना होगा। तो पौलुस उन्हें सावधान करते हुए कहते हैं कि देखो, तुम लोग टेढ़े मेढ़ी पीढ़ी में हो। हाँ, चर्च के बाहर से भी तुम्हारे ऊपर अटैक्स आ रहे हैं, लेकिन चर्च के अंदर से भी आपको अटैक्स आ रहे हैं, और इससे आपको बचने की, सतर्क रहने की, निर्दोष और निष्कपट रहने की ज़रूरत है। संत पौलुस फिलिपिया अध्याय 3:2-3 में इस बात को क्लियर कर देते हैं कि कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट फूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि यथार्थ खतना वाले तो हम ही हैं। तो कुत्तों से चौकस रहो कि जब वो बात कर रहा है, तो वो उन लोगों की बात कर रहा है जो कि ज्यूइश लीडर्स थे, और वो आकर इस कलीसिया को कह रहे थे कि तुम्हें खतना करना पड़ेगा, तुम्हें मूसा की शरा को मानना पड़ेगा। तो ये सब बातों को कवर करते हुए संत पौलुस कहते हैं कि असल जो रियल खतना करने वाले हैं वो हम हैं। अब हमें किसी और चीज़ से, मतलब खुदा के नज़दीक आने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु के द्वारा हम नज़दीक आ चुके हैं, हमारे दिल का खतना हो चुका है, तो असल खतना वाले हम ही हैं। अब यही चेतावनी संत पौलुस आज यानी हमें भी देते हैं कि हम भी टेढ़े मेढ़े और विकृत लोगों के बीच में हैं। अब मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम वाक्य में टेढ़े और विकृत लोगों के बीच में हैं। जब वचनों में जब भी बात आती है झूठे नबियों की, तो यस, हम जानते हैं कि कलीसिया में झूठे नबी आएंगे, लेकिन हम सिर्फ कलीसिया में ही नहीं देखना चाहते हैं। हमें पता है कि झूठे नबी सिर्फ चर्च में या चर्च लीडर्स ही नहीं हैं, वरन आप सभी के पास मोबाइल होगा,
शायद किसी के घर में टीवी या एलसीडी कुछ ऐसे सिस्टम्स हो गए, मीडिया होगा जिससे आप न्यूज़ देखते हों, वो न्यूज़ के थ्रू कितनी मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लोग खुलेआम बिना झिझके बिना डर के मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और अन्याय जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग दंगे भी कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। तो ये सब क्या है, टेढ़ी मेढ़ी पीढ़ी, मर्द औरत को छोड़कर, औरत मर्द को छोड़कर आपस में शादियां करा रहे हैं, जिसे होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है। और रोमियो अध्याय एक में इस चीज़ की वार्निंग भी दी है परमेश्वर ने कि यदि उन्होंने सच्चाई को जानकर मुड़ना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके बुरे ख्यालों के या उनकी बुरी मत में, बुरी बुद्धि के हाथों में छोड़ दिया। तो अगर गुनाह बढ़ रहा है, ऐसी चीज़ें जो बुराई आप देख रहे हैं कि लोग वचन को मतलब तुच्छ जान रहे हैं, परमेश्वर के लोगों का मजाक बना रहे हैं, ऐसी गंदगी जो बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ें लोग देखकर कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर का न्याय जल्द आने वाला है। लेकिन जब आप रोमियो एक पढ़ते हो तो यहां पर वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने उन्हें इन सब चीजों के वश में दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि यह ऑलरेडी परमेश्वर का न्याय ही है लोगों के ऊपर कि लोग ऐसी भ्रष्ट बुद्धि में हैं जहां पर अबॉर्शन को लीगलाइज किया जा रहा है, जहां पर बच्चों को मारना कानूनन अपराध नहीं वरन कानूनन सपोर्ट बताया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब टेढ़ी मेढ़ी पीढ़ी के लोगों के चिन्ह हैं, निशान हैं। तो हम कहां पर हैं, हम वहीं पर हैं जहां से जहां परमेश्वर चाहते हैं कि तुम रहो। हम टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में हैं, हम अंधकार में हैं, हम गलत लोगों के बीच में हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, जब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, तो ये वही चीज़ है जहाँ पर प्रभु यीशु ने या पिता ने हमें भेजा है, हमें रखा है। तो हम सही जगह पर, हम नहीं कह सकते कि वेल ये जगह गलत है, नहीं, इसी जगह पर परमेश्वर ने चाहा है कि हम रहें। अगर आपकी जॉब के ऊपर, जहाँ पर भी आप काम में जाते हैं, जिस भी जगह, जिस भी देश में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कुछ कानून या कुछ लोग या कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर आपको लगता है कि ये सब परमेश्वर के खिलाफ है, मेरे ईमान के खिलाफ हैं, या यहाँ के लोग सही नहीं हैं, यहाँ के लोग एक दूसरे को धोखा देने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, या आपको पता है कि पोजीशन के पीछे भागने वाले लोग हैं और एक दूसरे के बारे में बुरा बुरा बोलने वाले हैं, तो अगर आप ऐसी जगह में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में हैं, तो आप वहीं पर हैं जहां परमेश्वर ने चाहा है कि आप हों, आप हों, ऐसी जगह पर परमेश्वर ने चाहा है। अब आप ऐसी जगह पर क्यों हों, मैं आगे जो आगे आने वाला पॉइंट है हु वी आर, उसमें हम इस चीज़ को देखने वाले हैं कि क्यों परमेश्वर ने चाहा कि हम ऐसी जगह पर रहें। जब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों में बेचता हूँ, जब संत पौलुस कहते हैं कि तुम टेढ़े मेढ़े विकृत लोगों के बीच में हो, तो क्यों परमेश्वर ने हमें इस जगह पर रखा है। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर कि हम कहां पर हैं, वेयर वी आर। तो हम टेढ़े और विकृत लोगों के बीच में हैं। दूसरा, अब हम कौन हैं, हु वी आर। तो वेल, इसकी अगर हम बात करें कि हम कौन हैं, तो हमारी बहुत आइडेंटिटीज हैं, लेकिन जो मेन दो मैं यहां इस वचन से ड्रैग करना चाहता हूं वो ये है, सबसे पहले कि हम खुदा के बच्चे हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो जब हम खुदा के लोग हैं, खुदा के बच्चे हैं, जिन्हें प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर मोल लिया है और पिता की विरासत में शामिल किया है, तो हम खुदा के बच्चे हैं, तो इसका कॉन्ट्रास्ट ये है कि दूसरी तरफ शैतान के बच्चे भी हैं। यस, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो टेढ़े मेढ़े और विकृत लोग हैं वो शैतान के बच्चे हैं। अगर कोई खुदा की मर्जी को छोड़कर खुदा का इनकार कर रहा है और अपनी अभिलाषाओं को या संसार की बुराई के पीछे भाग रहा है, तो वो शैतान का बच्चा है। अगर कोई झूठ का सहारा ले रहा है, कोई गंदगी का सहारा ले रहा है, किसी भी तरह की जो भी बुराइयां बढ़ रही हैं दुनिया में, उनका सहारा लेकर फेमस होने की, पैसा कमाने की, लोगों के साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो खुदा के बेटे नहीं है, वो शैतान के बेटे हैं। तो हम कौन हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, और प्रभु ने चाहा है कि हम क्रूक्ड यानी टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में रहें। तो हमारी पहचान है कि हम खुदा के बच्चे हैं, और जो शैतान के बच्चे हैं, हमारी पहचान, हमारे काम, हमारा स्वभाव और हमारी चाहतें उनके जैसे नहीं होने चाहिए। हम एक अलग दिखने वाले, स्टैंड आउट करने वाले लोग हैं, कि कोई हमें देखे और कहे कि नहीं, ये लोग अलग हैं, ये लोग किसी सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं, ये बहुत ही नैरो माइंडेड लोग हैं,
ऐसा लोगों को सोचना चाहिए हमें देखकर कि ये लोग ये काम नहीं करते हैं फलान ये वो सब कुछ। तो ये सोचकर अगर लोग आपको कहते हैं कि ये लोग नैरो माइंडेड हैं, इन्हें दुनिया का कुछ पता नहीं है, तो आप राइट ट्रैक के ऊपर हैं। आप नैरो माइंडेड इसलिए हैं क्योंकि आप नैरो वे के ऊपर सफर कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि वो किसके वश में हैं, वो नहीं जानते हैं कि वो किस रास्ते के ऊपर हैं, लेकिन हम जो खुदा की लाइट को जानते हैं, जो लाइट खुदा का वचन है, हम उसे जानते हैं। और हम जानते हैं भविष्यवाणियों को, हम जानते हैं परमेश्वर के कामों को, हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो किस तरह से हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है, हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। तो हम खुदा के बेटे खुदा की बेटियाँ हैं, हम शैतान के बेटे बेटियाँ नहीं हैं। हम उनसे अलग हैं, डिफरेंट हैं और अलग दिखने वाले हैं। दूसरी बात कि हम लाइट ऑफ द वर्ल्ड हैं, कि हम जगत की ज्योति हैं। इसी वचन को जिसमें हमने पढ़ा लिखा है कि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। अभी शायद आपके दिमाग में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कहा हुआ वो वचन भी याद आता होगा कि तुम जगत की ज्योति हो। तो संत पौलुस भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, हम दीपक हैं, हम लाइट हैं, हम रोशनी हैं इन टेढ़े मेढ़े विकृत लोगों के बीच में, अंधकार में फंसे हुए शैतान के अंधकार में जकड़े हुए लोगों के लिए हम दीपक हैं, हम रोशनी हैं, हम लाइट हैं। अब लाइट की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ सिंपली, लाइट्स आर यूज्ड टू गाइड। लाइट को इस्तेमाल किया जाता है गाइड करने के लिए, अगुवाई करने के लिए। तो आप इस पृथ्वी के ऊपर हैं, आप टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में इसलिए हैं ताकि आप जो अंधकार में हैं, जो गुनाह की दलदल में हैं, जो शैतान के हाथों में लोग हैं, शैतान की मार्केट में बिके हुए लोग हैं, हम लाइट हैं ताकि हम उन्हें गाइड कर सकें लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ, छुटकारे की तरफ, आज़ादी की तरफ। तो इसलिए खुदा ने हमें यहाँ पर रखा है ताकि हम इन टेढ़े मेढ़े लोगों के लिए एक गाइड का काम कर सकें। पिछले पॉइंट जिसमें हम जिसको हम देख रहे थे कि हम कहाँ पर हैं टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच, उसमें मैंने कहा था कि हम आगे आने वाले वचन में देखेंगे कि हम क्यों इन टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में हैं, क्यों हमें खुदा ने अंधकार में या ऐसी पीढ़ी में रखा है। इसीलिए ताकि हम टेढ़े मेढ़े लोगों के लिए, अंधकार में फंसे लोगों के लिए, गुलामी में फंसे लोगों के लिए एक गाइड बने, उन्हें छुटकारा देने वाले का कारण बने। दूसरा, लाइट्स आर यूज्ड एज ए वार्निंग। तो लाइट्स को आप देखते हैं कि वार्निंग यानी चेतावनियों के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आप इस संसार में हैं चेतावनी देने के लिए भी कि अगर हम रिपेंट नहीं करते हैं, अगर हम बुरे कामों को नहीं छोड़ते हैं, अगर हम खुदा के साथ रिश्ता नहीं बनाते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत ही भयंकर हैवी ट्रक आ रहा है जो कि हर गुनहगार को या पापियों को नष्ट कर देगा। और वो बड़ा ट्रक जिसे मैं बात कर रहा हूँ वो है नरक की आग, परमेश्वर का न्याय, जिससे लोगों को सावधान करने की, जिससे लोगों को बचाने की हमें परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। सो लाइट्स आर यूज्ड एज ए गाइड, हम एक गाइड हैं, हमें एक चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर रखा है। एंड लाइट्स आर यूज्ड टू मेक थिंग्स सेफ। अगर आप अंधकार में जाते हैं, अगर आप किसी रूम में जाते हैं और वहां पर काफी अंधेरा है, कुछ भी लाइट का स्रोत नहीं है, कहां कहीं किसी भी तरह की रोशनी नहीं है, तो आप डेफिनेटली अपना जो पैर है उसे कहीं ना कहीं मार देंगे, आप अपना हाथ कहीं सर भी मार सकते हैं। तो जब वहां पर लाइट होगी तो वहां पर जो चीजें हैं वो सेफ हो जाएंगी, आप बहुत से खतरों से बच जाएंगे। तो आप और मैं, जब हम यहां पर इस संसार में एक लाइट की तरह हैं, तो हम लोगों के लिए एक सेफ जगह का कारण बनेंगे कि जहाँ पर, अब मैं सिंपली इसको बताता हूँ, अगर कोई आपको पैसा देता है और आप उसी तरह से उसे रिटर्न कर देते हैं, आप किसी को धोखा नहीं देते हैं, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते हैं, आप किसी को गुमराह नहीं करते हैं, आप किसी को भी अंधकार की तरफ लीड नहीं करते हैं, आप किसी को कोई गलत सलाह नहीं देते हैं, आप लोगों के लिए एक बड़ी रेफ्यूज का, एक बड़ी प्रोटेक्शन का कारण बन रहे हैं, तो आप एक सही चीज़ बन रहे हैं। Lights are used to make things safe. तो जब कोई आपके आसपास हो, जब कोई आपको देखे, जब कोई आपको कोई बात बताए, तो उन्हें पूरा श्योर होना चाहिए कि नहीं, ये इंसान ऐसा है तो मैं इसके साथ बात शेयर कर सकता हूँ, ये खुदा का भय मानने वाले लोग हैं, तो सेफ जगह है, सिक्योर जगह है, प्रोटेक्टेड जगह है जिसके साथ मैं बात करने वाला हूँ। तो आप गाइड हैं, आप लोगों के लिए चेतावनी का काम करेंगे और आप लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन का, एक सेफ जगह का भी कारण बनेंगे।
तो हम कहाँ पर हैं? हम टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में हैं। हम कौन हैं? हम खुदा के बेटे, खुदा की बेटियाँ हैं, और हम इस जगत में रोशनी हैं, जलते हुए दीपक हैं। हमारा काम है लोगों को गाइड करना, लोगों को सावधान करना और लोगों को सिक्योर करना। तीसरा काम, जो तीसरा पॉइंट है, हाउ डू वी लिव। अब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पीढ़ी में खुदा के बच्चे होते हुए और जगत की रोशनी होते हुए हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें? हाउ शुड वी लिव। तो ये इस खत में संत पौलुस लिख रहे हैं, फिलिपियों अध्याय 2 वचन 5, 7 और 8 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी वैसा ही स्वभाव हो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। तो सबसे पहले पॉइंट, हाउ डू वी लिव। सबसे पहले ह्यूमिलिटी, यानी नम्रता। नम्रता है जो हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं जब वो अपने आप को खाली कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को नम्र करने की ज़रूरत है। ये आज बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। हमें अपनी शिक्षा का घमंड हो सकता है, हमें अपनी डिग्री का घमंड हो सकता है, हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य का घमंड हो सकता है, हमें अपने पैसे का घमंड, हमें अपनी मिनिस्ट्री का भी घमंड हो सकता है, हो सकता है हमें अपने सब्सक्राइबर्स का भी घमंड हो कि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने लोग मुझे देखने वाले हैं, इतने लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, या मेरे पास इतना ज्ञान है, ये वो सब कुछ। बहुत तरह के घमंड हमारी ज़िंदगी में हो सकते हैं, लेकिन वक्त है कि हम वैसे ही जिए जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जिए। वचन क्या कहता है? कि तुम्हारा भी वैसा ही स्वभाव हो जैसा प्रभु यीशु का था, कि उसने अपने आप को खाली किया और शून्य बन गया, ज़ीरो बन गया। दैट मीन्स ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ज़ीरो किया, नम्र किया। एंड आर वी रेडी टू हम्बल आर सेल्फ? क्या हम अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार? खुदा हमारे हृदय को जानता है, वो दिल की गहराइयों को जानता है कि हमारे अंदर क्या परमेश्वर की नम्रता है, या हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये घमंड का किसी भी तरह का बीज उत्पन्न हो रहा है। अगर हो रहा है तो आज हमें हमारा स्वभाव प्रभु यीशु के जैसा बनाना चाहिए, हमें नम्रता की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ह्यूमिलिटी सबसे पहला काम, हाउ डू वी लिव, वी नीड टू हम्बल आवरसेल्फ। हमें हर चीज़ में नम्र रहने की ज़रूरत है। नम्रता एक सच्चे विश्वासी का सबसे बड़ा और सबसे पहला चिन्ह होना चाहिए कि वो नम्र है। जब कोई मुझसे बात करे, जब कोई आपसे बात करे, तो लोगों को लगे कि यार इसके अंदर तो बिल्कुल भी घमंड नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी, जैसे संसारिक लोग करते हैं कि मैं ये, मैं वो, मैंने ये, मैंने वो, इसी तरह की कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो बस कहता है कि खुदा की वजह से, खुदा की दया से, खुदा के रहम से, खुदा के क्रम से मैं जो भी हूँ वो हूँ। तो इस तरह की ह्यूमिलिटी, नम्रता खुदा हमारी ज़िंदगी से चाहते हैं। सिर्फ हमारी ज़ुबान से नहीं, वरन हमारे हृदय को, हमारे दिल को नम्र होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑलराइट, तो पहले हमें हम्बल होना चाहिए। दूसरा, हम कैसे जिएंगे? वी नीड टू परस्यू होलीनेस। हमें पवित्रता का पीछा करने की ज़रूरत है, पीछा करना चाहिए। किसका? पवित्रता का। जब हम इसी चैप्टर के वचन 12 को पढ़ते हैं, यानी फिलिपियों अध्याय 2 वचन 12, यहाँ पर लिखा है कि इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। यस, अब आप कहेंगे कि वल उद्धार का कार्य हमें पूरा करना है, ये तो यीशु मसीह ने पूरा किया है। यस, बिल्कुल, ये काम प्रभु यीशु ने पूरा किया है, हमें इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका यहाँ पर मतलब है सेंक्टिफिकेशन। यस, वी आर जस्टिफाइड, बट नाउ वी आर बीइंग सेंक्टिफाइड एज वी लिव इन दिस जनरेशन। जब हम इस धरती पर हैं, इस संसार में हैं, तो हम दिन प्रतिदिन पवित्र होते जा रहे हैं। तो उद्धार के कार्य को पूरा करना मतलब है कि दिन प्रतिदिन हम इस पवित्रता के, पवित्रीकरण की जो प्रोसेस है, जो सेंक्टिफिकेशन है, उसमें बढ़ते जाएंगे। दिन प्रतिदिन हम गुनाह से तौबा करेंगे, दिन प्रतिदिन गुनाह से दूर भागेंगे, दिन प्रतिदिन गुनाह को रिजेक्ट करेंगे, किसी भी तरह के अशुद्ध
विचार, किसी भी तरह की कोई भी जो बुराई हमारे दिमाग में, ख्यालों में, हमारे हाथों के द्वारा, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा प्रकट होती है, हम उसे झिड़केंगे, दूर भगाएंगे। मतलब ये कि पहली बात हमें अपने आप को नम्र करना है, दूसरा हमें पवित्रताई की तरफ बढ़ना है। और ये चीज़ कोई नया आइडिया नहीं है जो संत पौलुस यहाँ पर दे रहे हैं। संत यूहन्ना भी इस चीज़ की बात करते हैं, प्रभु यीशु इस चीज़ की बात करते हैं, और जब हम पीछे जाते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी इस चीज़ की बात करते हैं कि तुम पवित्र बनो। प्रभु यीशु कहते हैं कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम पवित्र बनो। संत पत्रस कहते हैं कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तो हमें दिन प्रतिदिन इस पवित्रताई में, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, सेंक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है, हमें इसमें बढ़ते रहने की ज़रूरत है। सो पहली बात, हमें हम्बल रहना है, दूसरा हमें पवित्रताई का पीछा करना है, और तीसरी चीज़, वी नीड टू स्टॉप कंप्लेनिंग। हमें कुड़कुड़ाना या शिकायतें करना बंद करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कई मसीहों में भी देखने को मिलती है। तो इसी चैप्टर में संत पौलुस सजेस्ट कर रहे हैं फिलिपियों अध्याय 2:14 से लेकर 15 तक में कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष, निष्कपट और होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। ओके, पॉल इन्हें कहते हैं कि वेल, सब काम जो भी तुम कर रहे हो, खुदा में कर रहे हो या संसार में कर रहे हो, ये बिना कुड़कुड़ाहट के और बिना किसी विवाद के किया करो। पॉलस के पास भी बहुत सारे रीज़न थे कि वो कुड़कुड़ाता, वाद विवाद करता खुदा के साथ। वो खुदा के लिए इतना बड़ा काम करने वाला, इतनी सेवकाई करने वाला, वो जेल में बड़ा है, तो उसके लिए भी अभी कारण था कि वो खुदा के सामने कुड़कुड़ाए कि प्रभु तू ये क्या कर रहा है मेरे साथ, मैंने इतनी तेरी सेवा की है, इतने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, अब तूने मुझे यहाँ पर जेल में डाल दिया है, ये सब क्या हो रहा है। तो पॉल जब जेल में है तो वो उस चीज को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार के बढ़ने का कारण बताते हैं। जब आप इसी किताब के पहले चैप्टर को पढ़ते हो, वहां पर पॉलस कहता है कि मेरा जेल में आना प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का फैलने का कारण बना है। तो वो उस चीज में भी प्रभु का धन्यवाद दे रहा है और पॉजिटिव को देख रहा है। तो हमें भी संत पॉलस यही चीज कहते हैं कि हो सकता है बहुत कुछ चीजों का हमें सामना करना पड़ रहा हो, बहुत कुछ चीजें हमारे आसपास में जो हो रही हैं गलत हो रही हों, विश्वास के खिलाफ हो रही हो, हमें परेशान करने वाली हो रही हो, लेकिन पौलुस कहते हैं कि जो भी तुम करो खुदा के ऊपर अगर आप विश्वास भी करते हैं तो ये भी बिना कुड़कुड़ाहट के, बिना किसी वाद और विवाद के करो। तो जब आप इसराइलियों के बारे में देखते हैं, इसराइलियों को खुदा ने इतनी बड़ी ताकत से आज़ाद किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उस निकली हुई जनरेशन में से एक भी इंसान वायदा की हुई धरती तक नहीं पहुंच पाया सिवाय यहोशुआ और कालेब के। किस कारण? वह सब लोग रास्ते में ही नष्ट हो गए। कंप्लेनिंग, दैट्स इट। वह कुड़कुड़ाते रहे हर काम में, हर बात में। जब भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का टाइम आता था कि हाँ वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, खुदा की दुहाई दें, तो उसी वक्त वो कुड़कुड़ाने लगते थे, वाद विवाद करने लगते थे, कभी मूसा के साथ, कभी खुदा के खिलाफ, जिसकी वजह से रास्ते में ही वो सारी की सारी जनरेशन ख़त्म हो गई। और ये हमारे लिए भी एक चेतावनी है कि जब हम भी इस सफ़र में हैं, जब हम मसीही सफ़र में हैं, तो हम भी हर एक काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी वाद विवाद के करें। ओके, तो ये था आज का वचन। एक आखिरी वचन पढ़ के मैं यहां पर इसे समाप्त करूंगा। तो याद रखिए तीन चीजें, वेयर वी आर, हम कहां पर हैं, दूसरा हु वी आर, एंड तीसरा हाउ टू लिव। हम कहां पर हैं? टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच। हु वी आर, खुदा के बेटे बेटियां और जगत के लिए एक रोशनी है। तीसरा, हाउ डू वी लिव, वी नीड टू लिव हम्बली। हमें सबसे पहले हमें कैसे जीना चाहिए? नम्र होकर। दूसरा, पवित्रता का पीछा करते हुए। और तीसरा, बिना कोई कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद किए। ऑलराइट, तो एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। भजन संहिता 37:1-5-8, बहुत ही पावरफुल वचन है। सुनिए यहां पर क्या लिखा है। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डा ना कर, क्योंकि वह घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, सिर्फ यहोवा को अपने सुख का मूल जान। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप इसी लाइन को मेडिटेट करते हैं तो यहोवा को, यहोवा की दी हुई चीज़ों को नहीं, उसके दिए हुए आपको जो ब्लेसिंग है उसको नहीं, सिर्फ यहोवा को, कि खुदा तू है तो मेरे पास हर तरह का सुख है।
ये वचन क्या कहता है, बहुत ही पावरफुल है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, अपनी चीज़ों को नहीं, अपने पैसे को, अपनी जॉब को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को नहीं, सिर्फ यहोवा को, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये वही चीज़ है जो हमें मत्ती अध्याय 6 में देखने को मिलती है, जब प्रभु यीशु कहते हैं कि तू सबसे पहले यहोवा के राज्य की, खुदा के राज्य की खोज कर, तो सारी चीज़ें तुझे तेरे पीछे लगकर मिलेंगी। तो ये वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, और अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, अपने मार्ग की सारी चिंता उसके ऊपर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। क्रोध से परे रह और जल जलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। कुड़कुड़ाना छोड़ दो, इससे बुराई ही निकलेगी। तो मैं गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस मैसेज। प्लीज़ मैसेज को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, अगर आपकी आत्मिक उन्नति के लिए थोड़ी आपकी सपोर्ट हुई है, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, आमीन।